हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइल्ड नेगी में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। आज के वीडियो में मैं एक ये जो मशीन है, एंगल ग्राइंडर मशीन, इसका रिव्यू करने वाला हूँ। और अनबॉक्सिंग तो क्या करता, 6 महीने यूज़ करते हुए हो गया है मुझे, तो रिव्यू के साथ ही आपको दिखा देता हूँ मैं। ये इसका डब्बा है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था ऑनलाइन। तो फ्रेंड से मुझे पड़ा था 1499 रुपये का। तो ये क्या है, 1500 से 2, कभी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये लगभग 1500 के आसपास ही आपको मिल जाएगा अमेजोन में, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, इसको लेने से पहले मैंने जब इसका परफॉर्मेंस देखा और वीडियोस भी देखे मैंने कई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे फिर मैंने कहा चलो एक बार देख ही लेता हूँ ख़रीद के। तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से। तो देख सकते हो आप, ब्लैक एंड डेकर की एंगल ग्राइंडर मशीन है ये यहाँ पे। और इसमें जो है 820 वॉट का पावरफुल मोटर लगा हुआ है इसमें। और इसमें जो है स्प्लेंडर लॉक है, और 3 पोजीशन से आप इसमें हैंडल लगा सकते हैं। इसका जो हैंडल मिलेगा आपको पकड़ने के लिए, 3 पोजीशन में लगा सकते हैं आप इसे। और जो है, और डस्ट रिमूव के लिए भी इसमें एक इनने बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है कि इसमें से एयर आती है बहुत ज़बरदस्त, जिस वजह से अंदर धूल वूल इसमें नहीं जा पाती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो मेरे पहले के वीडियो देखना आप, मैंने काफ़ी काम किए हैं उसमें, लाइट का भी काम किया है और बाकी प्लम्बिंग के भी काम किए हैं, इलेक्ट्रिक के भी किए हैं। तो मैं जब से जितने वीडियो मैंने डाले हैं, सारे मैंने इसी मशीन से काम किया है। मैंने अपनी सभी साइटों में जितना भी काम हुआ है मेरा, सारा का सारा मेरा इसी मशीन से हुआ है। तो गाइस, ये देख सकते हो आप, इसके साथ में आपको यहाँ पर एक तो मैनुअल मिलेगा और एक लॉक मिलेगा इसका हैंडल का, और एक उसका कवर मिलेगा आपको। तो डब्बे में तो सिर्फ इतना ही कुछ आता है और इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। और अब बात करते हैं मशीन की। तो गाइस, फाइनली ये रही मशीन, देख सकते हो आप। और जबकि मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ 6 महीने से। अब मशीन की अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, तो देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है इसकी। ब्लैक एंड डेकर की मशीन है, और ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे जो इसमें होल हैं, ये होल से क्या है, इसमें जब एयर आती है यहाँ से बहुत एयर निकलती है, जिस वजह से इसके अंदर धूल नहीं जाती है, और धूल जाने का कभी यहीं यहीं से जा सकती है बस। और बहुत ही इसका स्विच देख सकते हो आप, इतना सॉफ्ट है, इजीली इसे ओपन कर सकते हो और छूते ही बिल्कुल क्लोज हो जाएगा ये बंद, देख सकते हो आप। ये बहुत बढ़िया मशीन है, और एक हैंडल आप यहाँ से लगा सकते हो, और यहाँ से ना चाहो तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी, 3 साइड से इसमें हैंडल लगाने का दिया हुआ है आपको। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, वेट भी इसका अच्छा खासा है, तो वेट में भी बहुत बढ़िया है, ये हैवी मशीन है। और ये देख सकते हो बहुत बढ़िया है, इसमें यहाँ पर लोगो छपा हुआ है ब्लैक एंड डेकर्स का, और इसकी दूसरी साइड में भी देख सकते हो आप, ब्लैक एंड डेकर्स का लोगो छपा हुआ है, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हो। और ये एक चीज़ मुझे इनकी जो सबसे बढ़िया लगी मुझे, इन्हें तार की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी दी है। तार हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं है आपका, 1.5-2 मीटर का लंबा तार है। और जो तार के लास्ट में इनने ये ग्रिप बनाने के लिए दिया है ना, ये गाइस बहुत बढ़िया दिया है इनने, ये देखो, कहीं से भी आप इसे रोटेट कर लो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया वो दी है क्वालिटी, और सभी कुछ बढ़िया दिया है इनने, देख सकते हो आप ये मशीन को, बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये। तो ऐसे 6 महीने हो चुके हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, और काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है इसने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और हीट के मामले में भी मुझे ठीक लगी ये मशीन। इससे पहले भी मैं एक यूज़ कर चुका हूँ, मगर उसमें मुझे उतना वो तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं मिला, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। मगर ये मशीन जो है, इसे मैं 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 6 महीने में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है ये, जैसा मैं उम्मीद कर रहा था उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने मुझे। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक वो है, और इसको मैं पहले देख सकते हो आप, इसको मैं 0 पे कर देता हूँ। अब इसका वेट देख लेते हैं, तो 1468 ग्राम, इसका मतलब 1.5 किलो का है ये। तो गाइस, अच्छी खासी पावर है इसमें। तो गाइस, हर चीज़ का रिव्यू है, परफॉर्मेंस देखने की ही बात होता है। तो अब हम इसका भी एक बार परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो गाइस, बने रहे हैं वीडियो में मेरे साथ, और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस।
तो फ्रेंड्स, अब इसके हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अब देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। तो यहाँ पे मैं सरिया लाया हूँ, दो अलग अलग साइज के, उनको हम काट के देखेंगे इससे। वैसे तो मशीन नहीं, बवाल है, ये भी बवाल। देख सकते हो आप, ब्लेड लगा दिया है मैंने इसमें। तो ये पतला वाला सरिया था, अभी देख सकते हो आप कितनी जल्दी कर चुका है। अब एक मोटा सरिया है मेरे पास, ये। अब इसको भी मैं इससे कट करूँगा, इसका एक पीस दिखाऊंगा आपको। तो गार्ड लगाना काफ़ी ज़रूरी है, गार्ड का भी इस्तेमाल करना है। बिन गार्ड के इस्तेमाल के ऐसे ही परफॉर्मेंस ना करें। तो अब इसमें हमने ब्लेड बदल दी है, अब इससे हम एक बार पत्थर काट के देखेंगे, क्योंकि ईंटे से ज़्यादा मजबूत होता है पत्थर। और पत्थर काटते हुए आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ईंट काटना तो इसके लिए आम बात है। तो गाइस, मैंने इंतज़ाम किया है एक कठोर पत्थर का, बहुत मजबूत पत्थर है ये, देख सकते हो आप। पहाड़ों में ऐसे ही पत्थर मिलते हैं उत्तराखंड में हमारे। अब एक बार हम इसे ज़रा काट के देखेंगे। देख सकते हो आप उसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस अब आप देख चुके हो उस मशीन का, और बाकी जानकारी भी मैं इसके बारे में आपको दे चुका हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि काफ़ी अच्छी मशीन है, आप खरीद सकते हो, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत काम आएगी आपकी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल मशीन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस के साथ के लिए मेरे साथ बने रहें। और नए हैं तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।